आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। तारनगरी में हमेशा से ही हेल्प आगरा का किसी न किसी रूप में अहम योगदान रहा है, चाहे वो गरीबों तक मदद पहुंचाने की बात हो या फिर मरीजों तक दवाई और एम्बुलेंस पहुंचाने की बात। लेकिन इस कोरोना संकट की घड़ी में भी हेल्प आगरा के सभी सदस्य आगे बढ़कर गरीब और असहाय लोगों तक खाद्य सामग्री पहुंचाने का काम कर रहे हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में हेल्प आगरा शहर का एक जाना माना नाम बन चुका है, या यूं कहें तो गलत नहीं होगा कि आज हेल्प आगरा किसी पहचान का मोहताज नहीं है, जिसका कारण हेल्प आगरा की पूरी टीम और उनसे जुड़े दानदाता हैं। अगर बात करें हेल्प आगरा के सभी सदस्यों की, तो उन्होंने आगे बढ़कर गरीब असहाय लोगों के साथ साथ मरीजों के इलाज के लिए भी तारनगरी में आधुनिक और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम किया है। तारनगरी की सेवा में हेल्प आगरा की ओर से मेडिकल स्टोर खोले गए हैं, जो मरीजों को लागत मूल्य पर दवाई उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। साथ ही हेल्प आगरा की एम्बुलेंस सेवा भी दिन रात मरीजों की सेवा में लगी हुई है। ऐसे में जब देश कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ रहा है, तो वहीं ऐसे में भी हेल्प आगरा के सभी सदस्य कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभा रहे हैं। कोरोना संकट के दौरान हेल्प आगरा के सभी सदस्य और उनकी पूरी टीम दिन रात गरीब और जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने का काम कर रही है, जो कि उच्च गुणवत्ता का है, जिसमें रसोई से जुड़ी सभी चीज हैं, जैसे आटा, चावल, गेहूं, दाल, मसाले आदि शामिल हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि हेल्प आगरा हमेशा से ही बड़ी ही खामोशी के साथ तारनगरी के लोगों की सेवा करता आया है, और कभी भी हेल्प आगरा द्वारा किसी प्रकार का कोई प्रचार प्रसार भी नहीं किया गया, जो इनकी सादगी और अनुशासन के साथ साथ इनकी एकता शक्ति को भी बयां करता है। एक्चुअली सही बात है, हमारे 700 से अधिक मेंबर्स की ये संस्था है और करीब 125 आदमियों का इसमें स्टाफ काम करता है। कि जिस दिन से लॉकडाउन चालू हुआ है, संस्था की 16 एम्बुलेंस हैं, पूरा आगरा शहर में निःशुल्क चल रही है बिल्कुल। और उसके बाद भी कुछ एम्बुलेंसेज ऐसी हैं जो SN हॉस्पिटल से रेफ़र कर दिया जाता है, छुट्टी मिल जाती है, लेकिन बाहर जाने के पैसे नहीं होते हैं। ऐसी मजबूरी में लगभग पिछले दिनों ही 10 से 12 कॉल तक एटा, अलीगढ़, फिरोजाबाद जैसे शहरों में निःशुल्क भेजी गई। अभी प्रशासन ने भी हमसे 2 गाड़ी मांगी थी जिला अस्पताल को, उनकी मांग पर उनको भी 2 गाड़ी उपलब्ध कराई गई है। हेल्प आगरा का मुख्य उद्देश्य ये है कि जिसको हम सेवा दे रहे हैं या जो हमसे लाभार्थी उसको ले रहा है, वो कहीं ना कहीं इस स्वाभिमानी बना रहे, उसका जो मांगते हुए का या लेते हुए का चित्र कहीं भी चित्रित नहीं हो। क्योंकि दान जभी तक दान है जब तक आप उसको लेने वाले को यदि आप क्लियर कर दोगे, तो दान की महिमा ही खत्म हो जाती है। हेल्प आगरा लगातार 40 दिनों से अपने सदस्यों के माध्यम से सेवाएं दे रहा है, और बराबर ये सेवाएं जब तक चलती रहेंगी, सदस्यों का सहयोग मिलता रहेगा हमें। जिला प्रशासन से कोई अपील के पास आपको बहुत कम मिलेगा? जिला प्रशासन एक्चुअली में कुछ छपास रोगियों को पास अपनी सुविधा अनुसार दे देता है, बाकी जो धरातल पर क्रियान्वयन का काम है, जो संस्थाएँ NGO वाकई में शासन प्रशासन के लॉकडाउन से पहले भी अब इस आगरा शहर की सेवाएं करती रही हैं, उनको कहीं ना कहीं पास देने में ठोस क्रियान्वयन की नीति नहीं अपनाए हुए है। आपको बता दें कि कोरोना संकट के दौरान हेल्प आगरा ऐसे जरूरतमंदों तक मदद पहुंचा रहा है जो लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों से आकर किसी कारणवश यहां फंस गए हैं। साथ ही ऐसे लोगों को मदद के लिए चिन्हित किया जा रहा है जो दिहाड़ी मजदूर हैं और उनका कोई नहीं है, साथ ही जिनके पास अपने रहने खाने की व्यवस्था नहीं है, ऐसे लोगों तक हेल्प आगरा खाद्य सामग्री की किट अपने सदस्यों के माध्यम से पहुंचा रहा है। अनिल, सी न्यूज़ आगरा।